सो हे गाइस, मैं जेएनयू आया हुआ था और चलते चलते मैं अपने फ्रेंड से मिला आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, सो वी प्रिपेयर्ड फॉर द एंट्रेंस. ओके, तो सिलेक्शन हो गया था, पर लास्ट में जाके ही टुक जेएनयू एंड आई टुक डीयू. ओके, सो नाम, मेरा नाम सिजय. और सिजय राज, कहाँ से हो? और मैं झारखंड से हूँ बेसिकली, और मैं अभी सेकेंड ईयर एमए में हूँ सीएसआरडी जेएनयू. प्रशांत, दिल्ली, डीयू. सो दिस वीडियो इज़ लाइक अ कंपैरेटिव वीडियो कि जेएनयू और डीयू के बीच में जो कंपैरिजन होता है और कौन सा बेटर रहेगा. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट कैपेसिटी कितनी है टोटल? एक्चुअल स्टूडेंट कैपेसिटी 68 है. एक्चुअल 68. और अभी कितने बच्चे बचे हैं आफ्टर जिन्होंने लीव कर दिया है? हाँ, तो जेएनयू की जैसे करिकुलम है और जैसा कोर्स वर्क है तो 68 थे, बट अभी हम लोग 59. ड्यू टू द हार्ड कोर्स वर्क ना? हाँ, ड्यू टू द हार्ड. कितने कितने बचे अभी टोटल? अभी तो 59 है ऐसे जो फाइनल एग्जाम्स देते हैं, बट एक्टिव स्टूडेंट जो एक्टिव है वो. हाँ हाँ. ओके, सो ड्यू की बात करूँ तो आधा यहाँ पे एंट्रेंस होता है, आ रहा था मेरिट होता है इस साल तक. अगले साल तक कुछ पता नहीं यूजीसी का क्या करेगा. तो टोटल कैपेसिटी आई थिंक 100 के अराउंड है, में से 90 लोग बचे होंगे. एग्जैक्ट नंबर मैं कमेंट में डाल दूँगा, नीचे डाल दूँगा वीडियो के. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्रेंस का प्रोसीजर क्या होता है? एंट्रेंस का सिंपल सा प्रोसीजर है कि एक साल पहले तक कि जेएनयू एग्जामिनेशन होता था स्पेसिफिकली ज्योग्राफी के लिए, तो वो होता था, बट अब CUCET में आ चुका है. हाँ, तो अब CUCET से होता है. ओके, अब CUCET से होता है और उसमें 75 जो क्वेश्चंस है ना वो कैलकुलेट होते हैं. टोटल 300 मार्क्स, 75 × 4. ड्यू का पेपर अब भी वही ड्यू एंट्रेंस से होता है और नेगेटिव मार्किंग के साथ. जेएनयू में नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, इस साल तक तो नहीं. इस वाले पेपर में तो थी CUT और CUCET में. ओके ओके, शायद हाँ. ओके, हमें नहीं पता कि हमने नहीं दिया. ठीक है ठीक है, तो नेक्स्ट है कि डिप्रीवेशन पॉइंट्स पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दो. हाँ. कि वे लड़कियों को अलग मिलते हैं या स्टूडेंट्स कैसे? हाँ. मिलते हैं एक्चुअली. डिप्रीवेशन पॉइंट एक सिस्टम है बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट्स को फ्रॉम डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो इसका मतलब ही था इंक्लूसिवनेस के लिए कि सारे जगह के स्टूडेंट्स को एक बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. तो डिप्रीवेशन पॉइंट मेरे हिसाब से जेएनयू के लिए बहुत यूनिक चीज़ है और आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में देखोगे नहीं. तो डिप्रीवेशन पॉइंट आप अगर किसी ऐसी पिछड़ी जगह से आते हैं जहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, वो जेएनयू की एक खुद की क्राइटेरिया होती है. और ये लेवल्स पे होता है कि डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट जितना बैकवर्ड है और हाँ क्वार्टाइल पे होता है. और ये सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को छोड़ के गर्ल्स को भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. गर्ल्स को मींस एक्स्ट्रा डिप्रीवेशन मिलता है? नहीं, गर्ल्स को डिप्रीवेशन प्लस गर्ल्स होने का एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं. तो आपके जो फाइनल स्कोर्स बनेंगे हमेशा वो डिप्रीवेशन पॉइंट, गर्ल्स अगर हो तो आपके उसके पॉइंट, और उसके बाद आप कितना स्कोर कर रहे हो एग्जाम. तो इन तीनों चीज़ों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है. आपकी 10th अगर क्वार्टाइल से हुई है, कोई किसी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से हुई है, फिर आपकी ग्रेजुएशन हुई है, तो मार्क्स वहाँ पे वेरी करते हैं, 3-2 ऐसे करके डिफरेंट होते हैं. उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन ब्रोकर देख सकते हैं जब भी हो. सो नेक्स्ट है कट ऑफ लिस्ट जो होती है. कट ऑफ लिस्ट तो पता नहीं होगा ना? हाँ, कट ऑफ लिस्ट क्योंकि जेएनयू का जो टोटल सिस्टम है टोटल चेंज हुआ है. डीयू का जो लिस्ट थी 2021 की, जो लास्ट अनरिजर्व्ड पे जो सिलेक्शन हुआ था 198 मार्क्स पे हुआ था, 400 मार्क्स में टोटल, और मेरिट बेस्ड में आई थिंक 83.3% पे. लेक्चर का जो टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल कब से कब तक पढ़ाई होती है? एक्चुअली लेक्चर्स के टाइम टेबल 9 बजे से लेके 1:30 बजे तक होता है, और अगर इफ़ कोर्स वर्क ज़्यादा है तो फिर आपको 3:30 से चालू होता है. तो हम लोग की जब ऑफलाइन क्लास होती थी, ऑनलाइन क्लास होती थी, तो ऐसा था कि 9:30 से 1:30 बजे तक, फिर 1 घंटे का गैप, फिर 1 घंटे के गैप के बाद फिर उसके बाद से 2 घंटे की और क्लास होती थी. तो टोटल जो ऑफिशियल टाइम है 9 से 5 तक है. बट अभी हालांकि हम लोग का जो ऑनलाइन ऑफलाइन बैच चालू हो गया, तो हमारी यूजुअल क्लासेस 9 से 1:30 बजे तक. 9 से 1:30, और यही फर्स्ट ईयर में भी रहेगा?
अभी अगर ऑफलाइन चल रहा है तो, अगर ऑफलाइन चलेगा तो ये फर्स्ट ईयर में रहेगा, यही मोर और लेस यही चलेगा। इट इज नॉट कि 9 टू 5 कंप्लीटली क्लास होती है, नहीं 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 नहीं, इनको भी पता है बीयू में भी मतलब 9 टू 5 का जो वर्किंग आवर्स है 9 टू 5 के ही है कि 5 बजे के बाद पढ़ाई होगी नहीं, ठीक है। बट उसमें ये है कि पर लेक्चर में बताऊँ तो 2 घंटे का एक लेक्चर होता है बस। इलेक्टिव डिपेंड करता है कि कोई छोटा इलेक्टिव होगा, अगर थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी वाला है तो छोटा कम टाइम लगता है, ह्यूमन ज्योग्राफी वाला कोई हो गया तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बस इतना ही फर्क है। ट्यूटोरियल का बताओ, ट्यूटोरियल होते हैं ऐसा कोई ट्यूटोरियल नहीं होते, होते ट्यूटोरियल बस नाम के होते हैं जैसे, हाँ। आप जैसे कि आपके यूजी में ना नौटंकी फालतू, हाँ, बट आप कभी भी ऐसा अप्रोच कर सकते हो, कभी भी टीचर के हमारे प्रोफेसर के केबिन में पर्सनली जाके मिल सकते हो, वो कभी भी हेल्प कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हैं। ट्यूटोरियल एग्जिस्ट नहीं करता जी। टीचिंग क्वालिटी, टीचर्स कैसे हैं? टीचिंग ये तो बड़ा ट्रिके से सवाल है, बिकॉज हमारी सब्जेक्ट के इंक्लिनेशन पे होता, बट अगर आप टीचर की क्वालिफिकेशन को जान के उनकी क्वालिटी डिसाइड कर तो यहाँ के टीचर हाईली क्वालिफाइड है, पीएचडी सबकी मोर और लेस फॉरेन से हुई है और सबकी अच्छी अच्छी रिसर्च वर्क है, तो टीचर्स की क्वालिटी अच्छी है, बट टीचिंग की क्वालिटी वो आपके इंक्लिनेशन पे डिपेंड करती है। जैसे मैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं था तो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, बट वो मेरे को अल्यूरिंग नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं आया स्टैटिस्टिक्स, तो वो पार कैसे हो गया मुझे पता नहीं चला। बट इसी के साथ क्लाइमेटोलॉजी हुआ, वो बड़ा अल्यूरिंग सब्जेक्ट लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। रीजनल ज्योग्राफी हो गया, अर्बन, जहाँ पे मुझे नए इंसाइट्स मिले, तो उन प्रोफेसर्स को मैं अक्लेम करता हूँ कि बहुत अच्छे टीचर, और स्टैट्स वाले टीचर को ऐसा लगता है कि नहीं, बट मोर और लेस सब टीचर बहुत अच्छे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और बहुत हेल्पफुल है, तो टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। यही सेम चीज़ मैं बोलूँगा कि टीचर्स हमारे भी हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत ही रिसर्च अच्छे हैं उनके, बट रिसर्च करना अलग होता है और टीचिंग करना बहुत अलग होता है ना। स्टार्टिंग में जो प्रोफेसर होता है उनकी उनकी टीचिंग अच्छी हो सकती है, विद टाइम उनका मूड नहीं करता पढ़ाने का, तो डेट्स अ फैक्ट जो होता है। और हमारे प्रोफेसर भी कहूँगा तो डी में चलते हैं, ओके ओके हैं बस, ठीक है। तो मतलब हाईली क्वालिफाइड हैं, बट ऐसे लगता है कि ड्यू टू द रिसर्च के ऊपर जो मेरा फोकस है ना, उससे उनकी टीचिंग क्वालिटी ख़राब होती है, और ये यूजी से ज़्यादा पीजी में ज़्यादा होगी। यूजी में वे स्टिल ध्यान देते हैं, पीजी में कोई प्रोफेसर इतना ध्यान देता ही नहीं है, इवन तुम्हें कई सारे प्रोफेसर नाम तक नहीं जानते हमारा, तो छोटी क्लास में तो जानेंगे ना। नहीं, बट हमारी क्लास में क्या होता है कि हम सोचते हैं ऐसा कि 60 की क्लास में कौन से टीचर तुम्हें रोज़ जानते, बट टीचर इतना इंडल्ज होते हैं इस प्रोसीजर में ना कि एक एक बच्चे को जानते हैं, बट एवरी हर प्रोफेसर जानता है, हर प्रोफेसर जानता है किसी बच्चे को, हाँ, और तुम हमारे पर्सनल लेवल तक डील कर सकते हैं कि अगर तुम्हें डेंगू हुआ, जैसे एक बंदे को हुआ था, तो अब उसके पास पर्सनल एक कॉल करके कभी, या पर्सनल हमेशा उसके दोस्तों से उसकी हालचाल पूछना, क्योंकि कैंपस बड़ा क्लोज्ड है और एक फैमिली जैसे हो जाते हैं, तो कहीं चलते चलते मिल जाएंगे तो हाल पूछने लगेंगे, फिर कहीं ढाबे पे मिल गए तो इंटरेक्शन के चलते थोड़ा सा अपनापन आ जाता है। वो तो है, वो चीज़ हाँ। डीगो में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर आते हैं लाइक हार्डली वे एक दो दिन आएंगे, सिर्फ हार्डली एक दो दिन आते हैं और कभी नहीं आते, लाइक नहीं, यहाँ पे प्रोफेसर बहुत प्रेजेंट रहते हैं ना, बहुत रेगुलर रहते ही, हाँ यहीं रहते हैं, और वो कैंपस में डिपार्टमेंट में हमेशा उनको आना है, और हर सैटरडे मीटिंग होती है रिपोर्ट्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा केयरिंग केयर भी करते हैं। और टीचिंग के मामले में तो सैटरडे को क्या होती है, सैटरडे को कमेटी मीटिंग होती है टीचर्स की, तो वहाँ पे डिसाइड होता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, हाँ, क्लास में हो रहा है, फिर कोर्स वर्क को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, कोर्स उसमें तुम लोग पूरी क्लास आती है? नहीं, हम नहीं आते, कभी कभी प्रेजेंटेशन होता है थीसिस का, तो वहाँ पे हमें अलाउड है कि अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो किसी रिसर्चर की प्रेजेंटेशन हो तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, तो पढ़ने की हर अपॉर्चुनिटीज़ है, टीचर लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे हर अपॉर्चुनिटी है, आप कैसे उसको कैप्चर कर पाते हो, कहाँ तक आप अवेल कर पाते हो उसको, और कहाँ तक आप सह पाते हो, उस पर डिपेंड करता है, तो बेसिकली टीचर क्वालिटी बहुत सही है। सेम, मंडे टू फ्राइडे डी मूवी क्लास होती है, सैटरडे संडे ऑफ। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि रिसर्च पे कितना फोकस है, मतलब जो टर्म पेपर हो गए, रिसर्च पेपर हो गए, तो ये कितना रिसर्च तुम एक्चुअली खुद से कर रहे हो? जो हमारा पूरे 3-4 महीने का जितने का भी कोर्स वर्क होता है एक सब्जेक्ट का, उसमें सिर्फ हम रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी में हम शायद पढ़ते होंगे कि क्या
पीईटी क्या है, पोटेंशियल ट्रांसपिरेशन का, प्रेसिपिटेशन का, बट यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल नॉलेज कि हमेशा टर्म पेपर दिया जाएगा, आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तो कुछ चीज़ें लिए, पीईटी ले लिए, प्रेसिपिटेशन ले लिए, अब आप इसे स्टैटिस्टिकल मेथड से, जीआईएस की मदद से या रिमोट सेंसिंग से आप एनालाइज कर दो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली, तो पूरा जो सिलेबस है या कोर्स वर्क है बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है। डीयू में रिसर्च ओरिएंटेड तो नहीं कहूँगा, बस काम चलाई काम चलाऊ पढ़ाई हो रही है जितना मे भी हो सकता है। टर्म पेपर तो अब टर्म पेपर तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर से थे, टर्म पेपर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर से थे और जितने सब्जेक्ट है उतने टर्म पेपर है, जैसे चार सब्जेक्ट थे चार टर्म पेपर है, पांच हुए तो पांच टर्म पेपर है। टर्म पेपर एक बार बता दो कि होता क्या है। टर्म पेपर इज बेसिकली अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर जो कि आप मास्टर्स के लेवल पे करते हैं और पब्लिश नहीं होती, वे खुद से लिखते हो, मतलब ये एक्चुअली आपकी प्री ट्रेनिंग है, जो क्रिकेटर नेट्स पे ट्रेनिंग करते हैं ना रिसर्च, रिसर्च पेपर लिखने की ट्रेनिंग है बस, और आपको एक तरीके से रूबरू होते हैं कि आप रिसर्च पेपर कैसे लिखते हो, क्योंकि एमए के बाद अचानक से आप बड़ी से रिसर्च फील्ड में एक्सपोज कर दिए जाते हो, तो जेएनयू एक्चुअली वो ट्रेनिंग देता है कि आपको कैसे जाना है, कैसे डेटास के साथ हैंडल करना है। डीयू में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, टर्म पेपर आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में हम आ गए हैं तब जाके बोला है कि टर्म पेपर लिखो, उससे पहले कोई बातें नहीं, और उसमें भी लोग वेरी चिल हैं, असाइनमेंट की तरह उसको भी लिख लेंगे, तो इतना कोई रिसर्च ओरिएंटेड माइंड किसी का है ही नहीं। आई डोंट थिंक इतना जीआईएस की चीज़ें लगा के कोई टर्म पेपर लिखेगा ना भाई, कोई नहीं करने वाला इधर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि यूपीएससी के लिए कौन सा बेटर है, ठीक है। अब इसमें मुझे दो चीज़ लगती थी, पहली बात तो कि कुछ लोग बोलते हैं कि डीयू में स्पेशली नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज है, मतलब जो सिलेबस है कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि थोड़े अलग हैं, मतलब जो यूपीएससी में नहीं आते, हाँ। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं इसलिए आपको ये नहीं लेना चाहिए, मतलब डीएससी से यूपीएससी नहीं करनी चाहिए। तो दूसरा जो है वे कहता है कि यहाँ पे स्मॉल कोर्स है स्टडी का, बहुत ही कम टाइम होता है, तो आपको आना चाहिए डीयू में करने के लिए। ओके, जो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव जेएनयू में, आई थिंक सो कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो, बहुत ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं आए कि आपको दोनों चीज़ साथ हैंडल करना है, एज जाते जा रही है और आपको कुछ भी करके आपको दो बोर्ड पे सेल करना है, मतलब ये तो करना भी मत आप जेएनयू में, इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो कि टू डू यूपीएससी, यूपीएससी और मास्टर्स साथ में कर सको। हाँ, लोगों ने किया है जस्ट बिकॉज एक कंडीशन है कि उन्होंने बेसिक जो जीएस की प्रिपरेशन है, ऑप्शनल की प्रिपरेशन है, कोचिंग है, ये सब करके आ रहे हैं और यहाँ पे उनको सिर्फ ब्रशअप करना है, तो इसलिए वो यहाँ पे आते हैं, और यूपीएससी के लिए इसलिए भी आते हैं कि लाइब्रेरी है और हॉस्टल है, सस्ता रहना खाना हो जा रहा है। अगर आप एमएच्योर हो और यूपीएससी के फील्ड और मास्टर्स को एक साथ करने की सोच रहे हो, साथ हैंडल करना तो ये जेएनयू में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नए लड़के इतने ज़्यादा कोर्स वर्क में उलझे रहेंगे कि वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अपनी चीज़ों को। हमारे क्लास में एक दो बंदों का हुआ है जस्ट बिकॉज कि उनकी पहले से प्रिपरेशन थी और दे वेर एबल टू मैनेज, उनको सिर्फ आके ब्रश अप करना था, रिविजन करना था, वो रिविजन के लिए चार पांच घंटे निकाल लेते थे बेसिकली। ये इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर भी बंदे जेएनयू नहीं होते, डीयू में होते, हाँ, तो उनको वहाँ भी हो जाता। हाँ, वहाँ पे भी हो जाता, ऐसा कुछ नहीं कि जेएनयू ने कुछ एफर्ट डाला हो और वे यूपीएससी निकला, जेएनयू से नहीं निकला, नहीं, जेएनयू की फैसिलिटी शायद अवेल करने से शायद निकल जाए क्योंकि लाइब्रेरीज की इशू, बट हाँ अगर आप बोल रहे हो जैसा कि आपने बताया कि कोर्स छोटा है, नॉन ट्रेडिशनल कोर्स है, बट डीयू जेएनयू में ऐसा है कि आपको पर्सपेक्टिव अलग मिलेंगे, तो शायद आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी सी इनहेंस हो जाए और अलग थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिल जाए सब्जेक्ट मैटर को लेके, बट एज सच कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जाए, कॉस्ट टाइम एनालिसिस जो की जाए, तो मेरे हिसाब से जस्ट फॉर यूपीएससी नॉट रिकमेंडेबल अगर आप बिगनर हो तो, मतलब अगर आपको सिर्फ यूपीएससी ही करना है तो यू शुड जॉइन डीयू, हाँ मतलब कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइब्रेरी की फैसिलिटी कब से कब तक खुलती है? लाइब्रेरी जेएनयू में सिर्फ तीन दिन बंद होती है जो कि नेशनल हॉलीडे 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, इसके बाद फेस्टिव सीजन में थोड़ी देर के लिए, आधे दिन के लिए बंद होती है, बाकी वो 2400 घंटे खुली रहती है, कभी बंद नहीं होती है। और
24 घंटे पूरा, 24 घंटे सुबह के 4-5 बजे भी? हाँ अच्छा, हाँ बस सुबह में आधा घंटा एक घंटा वो क्लीनिंग के लिए बंद रहती है, बंद भी नहीं रहती, आप बैग जाके रख सकते हो, थोड़ा बाहर आ जाओ, हाँ फिर वहाँ पे वो कभी बंद नहीं रहती। और लाइब्रेरी की और बात की जाए कि अगर लाइब्रेरी आप बुक इशू करने को सोच रहे हो तो लाइब्रेरीज तो है ही, बट आपकी डिपार्टमेंट लेवल पे भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन रूम होती है जहाँ पे आप बुक अवेल कर सकते हो। ये कहाँ पे होता है, मतलब सब सीएसआरडी में? सीएसआरडी में, सीएसआरडी में डॉक्यूमेंटेशन रूम है, शायद रूम नंबर 225 या 224। वहाँ पे बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स की बुक्स है, थीसिस है, डिसर्टेशन है, तो वहाँ पे जाके आप अवेल कर सकते हो, बट उसको इशू करके आप बाहर नहीं ला सकते, वहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हो। और इसकी टाइमिंग वही है नॉर्मल जो ऑफिशियल टाइमिंग होती है, 9 से 5 वाली टाइम। हाँ बट पढ़ने के लिए आपको डिपार्टमेंट लेवल पे एक स्टडी रूम है, डॉक्यूमेंटेशन रूम है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। स्टडी रूम तो आप 24 घंटे कभी भी जाके अवेल कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल टाइम। उसके बाद लाइब्रेरीज तो है ही, तो हर डिपार्टमेंट का यही हाल है। डीयू की लाइब्रेरी होगी डीएससी के अंदर, रतन टाटा लाइब्रेरी, बट वे है कि उसका टाइमिंग होता है 9 to 7। उसमें भी कहते हैं कि अगर आपको ऊपर वाले फ्लोर पे उसकी टाइमिंग 9 to 5 ही रहती है, तो उसके बाद आपको नीचे आके पढ़ना होता है। तो बेसिकली 9 to 7 तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा टाइमिंग है, थोड़ा और लेट होती तो बेटर रहता भी। तो हाउ मैनी प्रैक्टिकल्स? प्रैक्टिकल्स तो कोई खास है नहीं ना जेएनयू में एज सच। मैं रिसर्च करनी नहीं, आई थिंक रिमोट सेंसिंग और जीआईएस कंसीडर करें तो वे तो हुआ था, तो वो प्रैक्टिकल की तरह ही था। वो प्रैक्टिकल था बट एज सच प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करके कोई नहीं है, वो थ्योरी की तरह पढ़ाया गया था। नहीं, आपको प्रैक्टिकल्स तो करने हैं, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो प्रैक्टिकल एज अ सब्जेक्ट है सिर्फ उसी सेमेस्टर के लिए। जो प्रैक्टिकल आपने एक सेमेस्टर पढ़ ली, वो चीज़ें आपको हर सेमेस्टर में इनकलकेट करनी पड़ेगी आपके रिसर्च वर्क, थीसिस और टर्म पेपर में। आपको हमेशा उसको यूज़ करते रहना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, जीआईएस है और रिमोट सेंसिंग है, और एक स्टैटिस्टिक प्रैक्टिकल था या थ्योरी था? प्रैक्टिकल था, उसमें आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना सिखाया जाता। हाँ प्रैक्टिकल हुआ था स्टैट्स हमारा तो ऑनलाइन था, तो शायद हम उतने अच्छे से सीख नहीं पाए, बट सर ने कोशिश की थी कि एसपीएसएस वरना भी होता। हाँ वो होता। और मैं बात करूँ अपनी, तो जीआईएस में हमारा प्रैक्टिकल हुआ था, बस एक था। स्टैटिस्टिक हमारे यहाँ थ्योरी की तरफ पढ़ाते हैं ना कि इसकी तरफ, क्योंकि उसमें सिर्फ वही सब चीज़ें, उसमें कोई खास किसी ने पढ़ा नहीं, वही सब ऑनलाइन था, पता है आपको कैसे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं ना, बस हम तो पास हो गए कैसे करेंगे। तो बस आरएस एंड जीआईएस इज़ द ओनली प्रैक्टिकल जो आपको करना पड़ेगा, बाकी इलेक्टिव में प्रैक्टिकल हो सकते हैं। ड्यू की बात कर रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट, कोर्स का टोटल जो स्ट्रक्चर है, मैं ड्यू का बताऊँ तो 5 यूनिट होते हैं हर एक सेमेस्टर में, 70 मार्क्स फॉर द थ्योरी, जिसमें आई डोंट 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करो बस। 15 मार्क्स का होता है कि मिड, नहीं असाइनमेंट वाला, 10 मार्क्स का होता है मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, और 5 मार्क्स की अटेंडेंस होती है आपकी, टोटल हो गया 100। कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है यहाँ, कितने यूनिट्स कैसे? यूनिट्स तो 4 से 5 होती है, 4 से 5, 6 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। यूनिट्स मतलब यूनिट्स अगर कैसे सिलेबस में डिफाइंड होते हैं, क्योंकि मेरे सिलेबस मेरे को डीयू में दिखा था, पर जेएनयू का सिलेबस नेट पे मिलता नहीं है। नहीं नहीं मिलता, बिकॉज वो टीचर बताया ना कमेटी रूम, वो हमेशा टीचर्स पे डिपेंड होता है कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं और वो किस चीज़ को निकाल सकते हैं, किसको ऐड कर सकते हैं, मतलब डिस्कशन करके ये कर सकते हैं अगर सारे टीचर्स एग्री करें तो। उसके बाद यहाँ पे मैं बता दूँ कि हर एक सब्जेक्ट में 3-4 यूनिट्स होते हैं, और हर सेमेस्टर में 4 से 5 ये सब्जेक्ट्स होते हैं। तो और मार्किंग होती है SGPAs में जैसे हमेशा होता है, बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ 0 to 9 मार्किंग होती है, 10 नहीं, 1 to 10 नहीं होते, 1 CGPA to 10 CGPA ऐसा नहीं होता यहाँ, SGPA सॉरी, यहाँ पे 0 to 9 SGPAs होते हैं। और यहाँ ग्रेडिंग, इसलिए तुमने बोला था कि मैक्सिमम तुम्हारे मार्क्स कितने गए? मेरे मार्क्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स 7.2 7.3 SGPAs, इसलिए गए ना, बिकॉज तुम्हारा लास्ट 9 होता है। हाँ बिकॉज, और उस नहीं रीजन और एक है, रीजन एक और है कि हमें जब फाइनल मार्क्स मिलेंगे तो 5% ऐड हो जाता है।
मतलब हाँ इक्वलाइज सारे इंस्टीट्यूशन से इक्वलाइज करने के लिए 5% ऐड हो जाता है। और रही हमारी बाइफर्केशन की, तो हमारे असाइनमेंट्स होते हैं, मिड टर्म होते हैं, टर्म पेपर होता है, उसकी प्रेजेंटेशन होती है, वाइवा होती है, तो वो टीचर और एंड सेम एग्जाम होता है, तो वो टीचर खुद बाइफर्केट कर लेते हैं, हर में अलग अलग कर सकते हैं उसकी मर्जी कितना बाइफर्केशन होता है। हाँ मतलब जनरली तो जनरल कितना रहता है, मतलब मेन एग्जाम का कितना, जनरली मेन एग्जाम के 3 points रहते हैं आउट ऑफ 9, जैसे 9 सब्जेक्ट्स हैं, 9 में से हाँ 3 एंड सेम के हो गए, प्रेजेंटेशन के 2 हो गए, टर्म पेपर के 1.5 हो गए, असाइनमेंट्स के 0.1 करके 10 असाइनमेंट हो गए, तो बेसिकली यू सेइंग कि 30% ही है उसका एंड सेम का। हाँ मतलब हाँ इस चीज़ से आप लोग पता लगा सकते हो कि एंड सम की जो वैल्यू है वो नियर अबाउट सच्ची, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली परफॉर्म करते रहना पड़ेगा और हमेशा पूरी सेमेस्टर परफॉर्म करना पड़ेगा। ये चीज़ है क्योंकि हमारे यहाँ पता है ऐसा है कि लाइक लोग कॉलेज ही नहीं आते, ऐसे बहुत बच्चे मतलब कॉलेज ही नहीं आ रहे, उन्हें पता है कि एंड सम में परफॉर्म कर लेंगे, असाइनमेंट दे देंगे। नहीं तो जेएनयू वाले एक्चुअली मैं अगर सच बताऊं तो टीचर यहाँ बोलते हैं अटेंडेंस कंपलसरी नहीं, बट यहाँ पे कुछ टीचर ऐसे भी हैं कि अगर आप क्लास उस दिन नहीं आओ और अगर उस दिन असाइनमेंट मिल गया तो यू आरंट एलिजिबल टू गिव दैट असाइनमेंट, तो उसके मार्क्स भी आप मिस कर दोगे, तो ए ट्रिकी वे, मतलब एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम होता है। हाँ 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 और हमारा बहुत ही लीनियंट पता नहीं, तो देयर इज अ टोटल स्टार्क डिफरेंस, ठीक है। जेंडर रेशियो बताओगे? जेंडर रेशियो अच्छा, जेंडर इक्वालिटी को तो प्रमोट करता है, तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, हमारे लड़कियाँ पक्का ज़्यादा ज़्यादा मतलब यार अभी 32-33 लड़कियाँ हैं, 32-33 लड़कियाँ हैं, और लड़के लड़के माइनस कर ले 59 से, और क्या कितना हुआ, थोड़े से कम, हाँ यू वुड से लाइक 60-40 मतलब यही रहता है, इक्वालिटी तो रहती है जेंडर में, ऐसा कुछ नहीं। एक अच्छी बात है क्योंकि अगर यूजी के कॉलेज तो आपको बाहर से ड्यू के बाहर का तो लड़कियां वैसे भी कम होती है, और बेसिकली ये चीज़ प्रमोट होती है उस डेप्रिवेशन पॉइंट से, अगर वो नहीं रहता तो शायद यहाँ पे भी वही सिनेरियो रहता। ड्यू में पता है क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं, और मेरिट बेस्ड होते हैं एज यू नो कि ज़्यादा नंबर लड़कियों के ही आते हैं, लड़कों के तो नहीं आते, तो हमारे यहाँ एक टोटल डिफरेंस है कि लड़कियों के ज़्यादा नंबर हैं तो इसलिए इनका नंबर बढ़ गया। नहीं और हमारे यहाँ ये डेप्रिवेशन पॉइंट का मेजर रोल है, बिकॉज दूसरे बैकग्राउंड से आ रही है, और लड़कियों को यहाँ पे डेप्रिवेशन पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए ये बोला जाता है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, सोसाइटी नहीं प्रोवाइड कर पाती। ओके फीस 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 तो यार बहुत ज़्यादा मिनिमम, मतलब हमारी एडमिशन 250 रुपीज़। कोर्स की फीस कितनी टोटल? कोर्स की फीस है टोटल तो नहीं, जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में 270 दिया था, फिर 180 दिया, फिर इस बार 180-160 ऐसे करके पर सेमेस्टर, पर सेमेस्टर ऐसे ही। और उसकी हॉस्टल की? हॉस्टल की आपकी वैरी करती है कि किस हॉस्टल में रहते हो, और लड़कियों की हॉस्टल की थोड़ी ज़्यादा नहीं कम होती है, लड़कों के ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। हाँ मतलब अच्छा। वो डिपेंड करता है कि कितने अच्छा, लोग अपनी बताओ जैसे। जैसे मेरे हॉस्टल की फीस 3400 है। 3400 हॉस्टल का नाम? हॉस्टल का नाम नर्मदा। 3400 हाँ, और लड़कियों की हॉस्टल शायद 2700 हो सकते हैं, बेसिकली वो मैनेज होता है कि कितनी फूड आ रही है और कितने स्टूडेंट खा रहे हैं। और मेस चार्जेस में इंक्लूड है क्या? सब चार्जेस इसमें इंक्लूड है। मेस चार्ज इंक्लूड है इसमें? हाँ। अच्छा, और मेस में कितना खाना कितने का है, मतलब वही मतलब ब्रेकफास्ट लंच सब इंक्लूडेड कर रखा है इसमें? हाँ। तीन टाइम खाना? हाँ हाँ 3 times का खाना, और यही लगता है हॉस्टल फीस। उसके बाद जब भी सेमेस्टर आप भर लोगे तो शायद 1400 रुपये लगते हैं एज अ मेंटेनेंस फीस, बस यही लगता है, और हर महीने आपको 3000 से 3500 के बीच में आपका मेस चार्ज लगता है, और सेमेस्टर चेंज करोगे तो 1400 ऐसा, विथ लेट फाइन 27 रुपीज। ओके डीयू में फीस होगी, पहले आई थिंक हमने दिया था करीब आई थिंक 5000 के करीब, फिर इस साल हमने दिया आई थिंक 3500 या 4000 के बीच में कोई अमाउंट दिया था, तो बेयर मिनिमम है बहुत ज़्यादा यूज, अगर हम यूजी से कंपेयर करें तो इनसे कंपेयर करें तो बहुत महंगा है, ठीक है।
तो फीस ये रहे। ठीक है, अब हॉस्टल का बता दो एक बार। हॉस्टल का तो सबको हॉस्टल मिलता ही है ना, ये सबको हॉस्टल, सबको मिलेगा सबको, बट वही है कि टाइम पे क्योंकि डिपेंड हॉस्टल करता है। बहुत है। आई थिंक 5500 लिस्टेड तुम्हारे, आई थिंक 3 सीट्स है तुम्हारे पास ना। मतलब ये तो सीट्स का पता नहीं, बट हॉस्टल है, और बेसिकली डिपेंड करता है आपकी रैंक कितनी है, आपकी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, आप कितनी दूर से आते हो, उस हिसाब से वो रैंकिंग होती है कि किसे हॉस्टल कब मिलेगा। मोर और लेस एक सबको मिल जाता है। हाँ, विद इन डिफरेंट टाइम फ्रेम आपको मिल जाता है हॉस्टल, मिल जाता है आपको। और ड्यूज में तो हॉस्टल का भाई पूछना मत, लड़की हो तो अच्छा है। हमारी लाइक पर्सनली बताऊँ, मेरी क्लास में 13 लड़कियों को मिला है। लड़कों में सिर्फ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको मिला है, तो या तो गेस्ट बेसिस मिल जाएगा या फिर इंटरनेशनल का मिल जाएगा। ठीक है, और वे मैं नीचे डाल दूंगा इसके जो जो भी प्राइस है। ठीक है, इतना सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कैंपस एरिया और लाइफ का। ठीक है, तो कैंपस है कहाँ पे पहली बात तो? डीयू का जो जो कहते हैं डीयू इन ज्योग्राफी, डेट इज़ जो एक्चुअली में होती है वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कैंपस में होती है। तो वी हैव जस्ट अ डिपार्टमेंट जो कि DSE के अंदर है। ओके, और वह बहुत छोटी जगह है, और डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी इतना छोटा है कि शुरू होते ही ख़त्म है पहली बात तो। ठीक है, बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, दिस नथिंग स्पेशल, इतना इतना बड़ा है इनका तो। ओके, बट इट्स अ गुड ब्यूटीफुल कैंपस। ओके, अब कैंपस एरिया छोटा है, और बाहर जो देख अब जाओगे तो नॉर्थ कैंपस है, शोर बहुत है पहली बात तो, है ना। वही चीज़ मुझे फील होती है कि भाई शोर के अंदर हम पढ़ रहे हैं बेसिकली। और इन यहाँ पे JNU आया हूँ तो मेरे को खुद फील हो रहा है जो डिफरेंस है वे है कि एरिया बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है ना। नियरेस्ट मेट्रो मुनिर का जो भी बनी है, वॉयलेट वॉयलेट है मैजेंटा पे है ना, वहाँ से फिर यहाँ पे आने का रास्ता। और क्या बताने वाली था इसमें, हाँ जो 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 फील आती है कैंपस में, लाइक इट्स एक अलग ही जगह है ना, मतलब है ना। आप कट ऑफ हो चुके हो तो यहाँ पे आई थिंक पढ़ाई का ज्यादा मन करेगा मेरे को तो लगता है। नहीं कर हाँ, नहीं, नहीं करेगा हाँ, करेगा आई थिंक करेगा, क्योंकि क्योंकि एक होता है जो बाहर के शोर है, मार्केट प्लेस का शोर होता है, वो इतना नहीं फील होता मेरे को यहाँ पे। हाँ, जो होता है ना मतलब नाइट लाइफ होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है बाहर जाने से, घूमने से, वो इधर इतनी। और नाइट लाइफ पे नाइट लाइफ बहुत है JNU में, बट वो अलग तरह की है, अलग तरीके से डिफाइन होती है कि आप बाहर वॉक के लिए निकल सकते हो रात 2:30 बजे भी, 3 बजे भी, कोई इशू नहीं है आपको लाइब्रेरी से बाहर आना। लाइब्रेरी से अगर आप 3-4 बजे भी रूम पे आ रहे हो उसमें भी कोई इशू नहीं है, और कैंपस सेफ है। अगर हैंग आउट करना होता तुम अंदर तो करते ही हो, बाहर कहाँ जाते हो इसके? बाहर बगल में एम्बियंस मॉल है। एम्बियंस मॉल, हाँ। मॉल के अलावा कुछ? मॉल के अलावा फिर हैंगआउट करने जैसे, का जैसे परसेप्शन है। हाँ ये भी तो है यार, हाँ। ये टाइम नहीं है हैंगआउट करने का, तो मास्टर्स कर रहे हैं। हाँ नहीं, आप परसेप्शन भी है कि आप किस जगह को हैंगआउट समझ सकते हो कि कहाँ पे। तो ये मैं इसलिए पूछा था कि डीयू के आसपास तो थोड़ा है नॉर्थ कैंपस वाला एरिया है ना, उधर ऐसे हडसन लेन है, मुजुलिका टीला है, फिर यहाँ पे हॉस्कास है। हॉस्कास विलेज है यहाँ पे। हाँ हॉस्कास है, तो ऐसा नहीं है। दो साकेत में वो चंपा गली है, चंपा गली, हाँ चंपा गली, हाँ। गार्डन ऑफ 5 सेंसेस है, कुतुब मीनार है, काफी जगह है। PhD की सीट तुमने कहा था कि नहीं है, नहीं मतलब स्पेसिफाइड नहीं होती, स्पेसिफाइड नहीं होती, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेसर्स के अंडर जाना चाहते हो और उनके पास अवेलेबिलिटी कितनी है, तो और वो कितने स्टूडेंट को, क्योंकि अपटेक करने की एक मैक्सिमम लिमिट शायद 8 होती है। मैक्सिमम पर प्रोफेसर कह रहे हो? हाँ शायद मतलब उनको करवाने की 8 शायद वो होती है। और प्रोफेसर है कितने टोटल तुम्हारे? सॉरी ये भी नहीं पता, मतलब काफी रफली तो पता होगा, रफली भी नहीं पता, मतलब ऐसे 20 प्लस होंगे। 20 प्लस प्रोफेसर? 20 प्लस प्रोफेसर, 20 प्लस है ओके, बहुत ज़्यादा 20 प्लस यार। हमारे तो लाइक 8-10 कहूँगा पक्का, तो नहीं था 8-10 ही हैं। डी यू से ज़्यादा है अगर जाते हैं, सॉरी अगर 20 नहीं है तो डी यू से ज़्यादा है। हमारा PhD सीट यार आई थिंक पिछले बार 30 के अराउंड तो थी। PhD में जाके आपको फिर ज्योग्राफी में आप PhD नहीं करते, आप करते हो रीजनल डेवलपमेंट में PhD। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि कई कई इकोनॉमिक्स वाले बंदे भी CSRD में कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेके रीजन को स्टडी कर रहे हैं, तो आगे जाके PhD ब्रॉडन हो जाती क्योंकि है। क्योंकि ज्योग्राफी में यहाँ एक थोड़ा थीम है कि रीजनल डेवलपमेंट हाँ। का सब आपका स्पेशल है हाँ।
हाँ, तो वीवो में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ स्पेशल है, वहाँ पे दोनों पे ही फोकस है, फिजिकल पे भी फोकस है और ह्यूमन पे भी फोकस है बस। नहीं, यहाँ पढ़ाई भी तो वही जाती है, बट आपको उस पढ़ाई के साथ साथ आप रीजनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो उसकी नॉलेज के साथ। तो तुम्हारे यहाँ फिजिकल पे ज्यादा फोकस है या ह्यूमन पे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों पे है। कोर्सेज हमारे ज्यादा तो ह्यूमन साइड के ही है, ह्यूमन साइड के हैं ज्यादा, ह्यूमन साइड के हैं। बट पीएचडी ऐसा होता है कि आपको किस थीम पे करनी होती है, मतलब फिजिकल में भी कर सकती हूँ, बट ओवर द ब्रॉड व्यू अगर लिया जाए तो दोनों, फिजिकल लो या ये से लो, दोनों रीजनल डेवलपमेंट पे कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका। ये थोड़ा मतलब फोकस दोनों पे है, ह्यूमन में थोड़ा ज़्यादा है। हाँ शायद बोल सकते, मैं भी बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो कोर्सेज ले रखे हैं ह्यूमन के ले रखे हैं, और ह्यूमन के कोर्स थोड़े से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और ज़्यादातर बच्चे भी लेते नहीं है। एक फिजिकल ज्योग्राफी कोर्स ले लो तो कुछ करने नहीं, पढ़ाई नहीं करनी, यूपीएससी वाला ही होता है ना सीन। यहाँ नहीं, जामिया में ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं काफ़ी फिजिकल, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, जामिया में फिजिकल ज्योग्राफी काफ़ी, और आउट ऑफ ड्यू अगर आप ज्योग्राफी देखो ना तो ट्रेडिशनल वे ही पढ़ाया जाता है, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा फोकस है, पर यहाँ इन दोनों कॉलेज में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फिजिकल लोगे तो आप यूपीएससी, नहीं यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, फिजिकल भी यूपीएससी से अलग है? मतलब आप नहीं कैरी कर सकते यूपीएससी अगर आप बिगनर हो यूपीएससी के साथ, तो फिजिकल में भी नहीं। इवन मुझे लगता है फिजिकल इज़ मोर डिमांडिंग बिकॉज ऑफ इट्स स्टैटिस्टिकल नेचर। वहाँ पे जाके आपको स्टैटिस्टिक्स यूज़ करना होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ऐसा टेस्ट अगर तुमने सुना हो तो। पिछले डीप बहुत है और ये सब यूपीएससी में नहीं आएगा कहीं भी से भी, है ना, बहुत डिटेल स्टडी है मास्टर्स में। ओके, बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट बताओगे? वैसे ये मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे कि मेरे बैकग्राउंड बताऊँ तो आधे बच्चे मेरिट से हैं, आधे बच्चे एंट्रेंस है, और मैं ये देखता हूँ कि जितने बच्चे मेरिट से हैं ड्यू के ही होते हैं ऑफकोर्स और एक टोटल फ़र्क है कि ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं वो मेरिट से आई हैं, जो लड़के हैं वो एंट्रेंस से आए हैं। तो ये डिफरेंस है टोटल हमारा। नहीं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट बहुत मॉडेस्ट है और बहुत दूर दूर से बंदे आए हैं, बांग्लादेश बॉर्डर जो वेस्ट बंगाल उस एक्सटेंट पे जाता है वहाँ से भी बंदे आए हैं, कॉटन यूनिवर्सिटी, असम, जिन यूनिवर्सिटी का हमने रेगुलर बेसिस पे नाम नहीं सुना वहाँ से आए हैं, केरला से आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि डीयू के बंदे हैं तो उनकी कंसंट्रेशन दिल्ली में है, जेएनयू तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बंदे यहाँ पे आके पढ़ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। डीयू से तो, कितने होंगे तुम्हारे? डीयू से कितने होंगे, 10 होंगे मैक्सिमम, 10 होंगे मैक्सिमम लोग आउट ऑफ डीयू से। हाँ, मैक्सिमम लोग आउट ऑफ डीयू से, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आई थिंक हाँ, एक चीज़ ये भी कि यहाँ पे नॉन ज्योग्राफी से बैकग्राउंड से बहुत लोग हैं ना। हाँ, बीटेक से हैं और हिस्ट्री से हैं, फिजिक्स ऑनर्स से हैं, ऐसा भी। ये बहुत अजीब चीज़ लगी थी मेरे को, क्योंकि मुझे पता है कोई मेरिट बेस्ड तो ज्योग्राफी वाले ही हैं, जो एंट्रेंस वाले होते हैं उन वे लोग ज्योग्राफी के होते हैं क्या? बेसिकली डीयू में तो ज्योग्राफी के होते हैं। नहीं, जो एंट्रेंस वाले होते हैं ऐसा कुछ होता है कि उनको एक सब्जेक्ट उनका होना चाहिए ज्योग्राफी, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है शायद, होती है आई थिंक। यहाँ नहीं होती, यहाँ नहीं होती ना। हाँ, तो यही चीज़ है कि डीयू में आपको ज्योग्राफी पढ़नी ज़रूरी है, जेएनयू में नहीं है। नहीं, तो यहाँ पे डाइवर्स बैकग्राउंड, सिविल इंजीनियर्स है हमारे साथ, फिजिक्स ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है। हाँ, ये चीज़ बड़ी लगती है क्योंकि बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग हैं और हमारे यहाँ नहीं है बहुत, बिल्कुल। अच्छा, और पीएचडी की एक यहाँ पे खास इम्पोर्टेंस ये भी है कि अगर आप सोशोलॉजी से मास्टर तब भी आप रीजनल डेवलपमेंट सीएसआरडी में आ सकते हो, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी आप मोबिलिटी कर सकते हो, कहीं भी आप मोबाइल हो सकते हो। हाँ, ओके, नेक्स्ट लास्ट मतलब ख़त्म ही हो गया। हाँ, कि मास्टर्स ज़रूरी है या फिर नहीं? मास्टर्स ज़रूरी है इन अ टर्म, अगर आपको अंडरग्रेड से ज़्यादा स्पेसिफिक होना है, अगर आपको सब्जेक्ट इंटरेस्ट है, आपका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि उसे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो इवन इंटरेस्ट पे नहीं है सब फायदा है, यूटिलिटी देखते हैं। अच्छा, यूटिलिटी की भी देखे तो भी है, क्योंकि बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें सिखाई जाती है जो कि उसके लिए ज़रूरी है, जैसे हम GIS UG में पढ़ते हैं जैसा जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन, बट इसकी अप्लाइड चीज़ें यहाँ पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते थे, मीन मेडियन मोड से आज तक आगे नहीं गए थे, बट यहाँ पे कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई कंक्लूजन पे आ रहे हो, तो उसको भी टेस्ट कैसे करते हैं, और फिर
आपकी जो जो नॉलेज है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको प्रैक्टिकल पे ले आते हैं। तो बेसिकली अगर जिसे रिसर्च में जाना तो उसके लिए तो बहुत अच्छी है। और आपको अगर किसी सब्जेक्ट मैटर के लिए अलग से इंसाइट भी चाहिए और आप उसमें एक्स्ट्रा गेन करना चाहते हैं, तो मास्टर्स एक तरीके से ज़रूरी है। और रिग्रेस होता है थोड़ा, मास्टर्स तो रिग्रेस होगा, डिमांडिंग है, तो कुछ ऐड कर रहा होगा आपकी नॉलेज में, तो ज़रूरी है। मतलब इन अ सेंस ज़रूरी, अगर आप चाहे तो कर सकते हो, वो आपको बेनिफिट करेगा। बेनिफिट करें। हाँ, बेनिफिट करें। ज़्यादातर लोग इसलिए करते हैं क्योंकि डाउट में रहते हैं कि करना है या नहीं, क्योंकि क्योंकि लाइफ में एंटरली पता नहीं होता बैचलर के बाद करना क्या है। तो फिर क्या बेटर है कि कर ही लें। हाँ, है ना। हाँ, अगर अगर कुछ और अगर नहीं करना है तो, और मास्टर्स को आप थॉट दे रहे हो, और अगर आपके पास कुछ और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है कि आप कंफ्यूज हो, और आपके पास एक दिमाग में थॉट है कि मास्टर्स करना है, शायद इससे कुछ हो जाए, तो हाँ इससे कुछ हो जाएगा। सही है, कि इवन मैंने स्किल सीख सकते हो आप, और कुछ नॉलेज इन्हेंसमेंट तो होगी। इवन मैंने भी मास्टर मतलब बैचलर्स खत्म होने के बाद सोचा कि कुछ करेंगे लाइफ में, बट अनक्लैरिटी थी, ठीक है, और उस चक्कर में कुछ करा, कुछ हुआ तो है नहीं, ठीक है, लास्ट में अल्टीमेटली मास्टर करना पड़ा। ठीक है, तो वापस आप आओगे वापस, क्योंकि तो प्लान होता अच्छे से कि करना क्या है, अदरवाइज मास्टर्स इज़ वेरी गुड ऑप्शन, है ना। तो मास्टर्स में थोड़ा फ़र्क ये होता है कि आई थिंक बुक्स डिफरेंट होती हैं, बुक्स डिफरेंट होती हैं, फॉरेन ऑथर्स की होती हैं, है ना, की होती है, फिर हम कोर्स बड़ा होता है, डीप होता है, कोर्स स्पेशलाइज्ड होते जाता है धीरे धीरे। हाँ, उसकी एप्लीकेशन बेस्ड होते जाता है। वे सेम टेक्स्ट बुक जो हम सविंदर सिंह पढ़ते हैं, वे सब तो सविंदर सिंह कंसिडर भी नहीं किया जाता, वो कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसको उसको प्योर बुक नहीं मानते ना हम लोग, नहीं, वो एक एमलगेशन है। हाँ, एमलगेशन है। सविंदर सिंह खराब है, अच्छी है, इस पर बात ही नहीं है, वो एक्चुअली एमलगेशन है। तुमने सही कहा कि एमलगेशन है, वो एक रिसर्च बेस्ड बुक नहीं है, यहाँ पे रिसर्च बेस्ड बुक ही पढ़नी है आपको। हाँ, ये फर्क है। हाँ, ना, तो ओके, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन है, बेटर कौन सी है? बेटर आपकी फिर वही है कि आप गेन क्या करना चाहते हो। अगर आपका आपका मकसद ये है, देखो मेरी सलाह अगर मानो कि आप अगर आप डायलेमा में चल रहे हो कि यूपीएससी करना है, मास्टर्स करना है, और आपके पास एज है कि आप सही टाइम पे, जैसे कुछ बंदे होते हैं कि उन्होंने गैप ईयर ले रखा होता है 12th के बाद जेई की प्रिपरेशन, मेडिकल या सीडीएस, और उनके पास ऑप्शन, फिर आगे जाके वो अगर उधर सक्सेसफुल नहीं होते तो आगे सोचते कि यूपीएससी कर ले, बट साथ साथ ये भी सोचते कि मास्टर्स एज अ बैकअप कर ले, तो सॉरी फिर यहाँ नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हाँ, यूपीएससी के लिए। बट अगर आपको आपके पास एज है, डिसेंट एज है, और आप चाहते हो कि एक ट्राई दे देते हैं मास्टर्स को देख के, तो ज़रूर आओ, क्योंकि मास्टर्स इज वर्थ डूइंग अगर आप उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करना चाहते हो तो। अगर आपको प्योर रिसर्च में आना है, प्योर रिसर्च पूरे उस मिल्यू में आना चाहते हो, रिसर्च के मिल्यू में, तो दिस इज़ द वेरी राइट प्लेस टू बिगिन विथ। बट अगर आप यूपीएससी को 10% थॉट दे, तो डोंट कम टू जेएनयू अगर आप प्रिपेयर पहले से नहीं किए हो, तो डिस्क्लेमर ये। ना लाइक मैंने देखा सुना, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जेएनयू बेटर तो है इन टर्म्स ऑफ जो भी पढ़ा रहे हैं बिगड़ा रहे हैं, क्योंकि डीयू में बहुत ही लीली एंडली पढ़ाई होती है जो भी है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट वाला टीचर्स एफर्ट डाल के पढ़ा रहे हैं तो इतना तो नहीं होगा, है ना। टीचर्स यहाँ बहुत सपोर्टिव, जैसे कि जैसे तुमने अभी बोला कि सारे असाइनमेंट पढ़ते हैं, है ना। हाँ, सारे असाइनमेंट हर वर्ड पढ़ते हैं, हर वर्ड्स पढ़े जाते हैं हमारा, और यहाँ पे आप चीट नहीं कर सकते असाइनमेंट्स में, असाइनमेंट में यहाँ चीट नहीं कर सकते नहीं, यहाँ पे एक्चुअली टीचर्स पता नहीं वो कितना यूज करते, बट एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर है टर्निटिन, आप अगर ये असाइनमेंट में भी होता है, आपको अगर आपने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया टीचर को, और अगर टीचर आपके पीछे पड़ गए और टर्निटिन में डाला, तो वो सॉफ्टवेयर अब बता देगा कि किस वेबसाइट से आपने कितना कॉपी किया। मिनिमम 10% आप चीज़ें कॉपी कर सकते हो कहीं भी विथ स्पेशल रेफरेंस,
अगर लीगैलिटी की बात की जाए तो, बिकॉज यहाँ रिसर्च एज अ प्रोफेशन में उस चीज़ को बड़ा प्रमोट किया जाता है विद द वेरी बिगनिंग, जो कि मास्टर से इनकलकेट करना चालू कर देते हैं, तो यहाँ पे पैलाग्रिज्म बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल किया जाता है। तुम्हारी चीज़ों कंटेक्ट वो कंटेंट को लेके मैं दूसरे वे में बता सकता हूँ, बट वर्बेटिम में कॉपी नहीं कर सकता। हमारा असाइनमेंट का पूछ लो तो फिर नहीं, कॉपी पे कॉपी होता रहता है, लेकिन एक बंदा बस बना दे तो हर बंदा उसको बस समझ जाओ, मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है तो यही है। उस तरह से बोल सकते हो कि हाँ, जो रिसर्च का जो तरीका है बेटर होता ही होगा, डेट से भी लगता है जेन्यून इज बेटर, ठीक है, बट यूपीएससी कर रहे हो तो आई डोंट थिंक, हाँ ना, बस इतना है। फील्ड ट्रिप पता नहीं डीयू में ओके होती है, फील्ड ट्रिप की है इस साल, आई होप कि हो, ठीक है, बट हमारे इनका हो रही है फील्ड ट्रिप, ठीक है, दो बार होती है फील्ड ट्रिप, दो साल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, हाँ फर्स्ट ईयर में भी होती है फिजिकल की और अभी सोशियो इकोनॉमिक की होगी। और तो फर्स्ट ईयर नहीं हुई तुम्हारी, हम ऑनलाइन थे ना, ऑनलाइन थे इसलिए फर्स्ट ईयर में नहीं हुई। और यहाँ पे सबसे स्टार्क डिफरेंस क्या लगा कि हमें पैसे नहीं देने होते यहाँ फील्ड ट्रिप, पैसे नहीं होते, दो ट्रिप होती है फर्स्ट सेकंड, हाँ, और काफी अच्छे टाइम के लिए होती है, पहाड़ों पे जाते हैं, प्लेट्यू मतलब नीचे भी जा सकते हैं पहाड़ों पे, हमारे सर बता रहे थे कि जब गए थे तो सबको अपने टेंट्स वो सारे इक्विपमेंट्स उन्हें मिलते हैं, उन्हें ले जाना होता है और वो बाहर वहीं पे रहते हैं, ऐसा नहीं कि होटल में रह रहे हैं, मतलब बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और एन्जॉयमेंट तो फील्ड ट्रिप में पता ही, बट जे एन यू की फील्ड ट्रिप में आपको लिटरली फील्ड पर जाके रिसर्च करना, सर्वे करना बड़े ही सीरियसली डील किया जाता है, वहाँ आप सिर्फ मजे मारने के लिए नहीं जा रहे, हाँ फील्ड में तो मस्ती मजाक होती है बट वो बड़ा एक हर बंदा काम करता है, हाँ हर बंदा काम करता है, हाँ। और अब सोशियो इकोनॉमिक की होने वाली है और हम शायद ओडिशा जा रहे हैं तो 14-15 दिन की होगी, हाँ, और विद सबसे बड़ी चीज जीरो पनी, हाँ पैसे नहीं लगते, ड्यू का क्या नहीं सकता, ओके सो दीस वर द क्वेश्चन गाइस, सो I would like to thank you, Vijay, for your precious time, precious Sunday, okay? और कोई क्वेश्चन हो आपका तो प्लीज़ कमेंट कर देना, Vijay will personally answer these, ठीक है? He will try, okay? तो that's it, उसके बाद क्या बोलूँ? मिलते हैं अगली वीडियो में, व्लॉग में, अगर बनाना हुआ तो, ठीक है? Okay? Thank you. Bye.